हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का वीडियो कुछ खास होने वाला है। आज की वीडियो में हम एक डिज़ाइनर ब्लाउज की कटिंग करने वाले हैं। इसकी कटिंग आपको किस तरीके से करना है स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा। इसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो डिज़ाइन है कुछ इस तरीके से है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हम नेट का कपड़ा यूज़ करेंगे और इसकी कटिंग हम डायरेक्टली कपड़े पर नहीं काटेंगे। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक फर्मा तैयार कर लेंगे, एक पैटर्न की पैटर्न बना लेंगे। तो इसके लिए आपको पेपर लेना होगा। पेपर की चौड़ाई आपको अपने मेजरमेंट के हिसाब से लेना है। पेपर को आपको डबल फोल्ड करके बंद वाला साइड अपने तरफ रखना है। पेपर को सही तरीके से रखने के बाद आपको मेजरमेंट लेना है। मेजरमेंट कुछ इस तरीके से है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो मेजरमेंट आपने देख लिया है, मेजरमेंट हमारा किस तरीके से है, आपको अपने मेजरमेंट के हिसाब मेजरमेंट को लेना है और वीडियो के साथ साथ ही आपको कटिंग करना है, तभी आप कटिंग को सीख सकते हैं। तो सबसे पहला काम जो है हमारा, एक आधा इंच के मार्जिन छोड़ती है, आपको एक सीधा लाइन खींचना है। ठीक है, तो हमने एक सीधा लाइन यहाँ पे खींच लिया है। दूसरा काम जो है हमारा यहाँ है वो है आपको ब्लाउज की लंबाई का निशान लगाना है। तो लंबाई का निशान हमारा यहाँ पर है 12.5, इस पर हम आधा इंच ऐड करने वाले हैं, तो टोटल हो गया हमारा 13 इंच। तो 13 इंच पर एक निशान हमने यहाँ पर लगा लिया, मार्क कर लिया। दूसरा निशान हम लगाएंगे यहाँ पे 6 इंच पे, आर्मोल का निशान है जो। अब दोनों लाइनों को आपको सीधा कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ पे चेस्ट का मेजरमेंट लेना है। चेस्ट हमारा हो गया 28 इंच, तो 7 पे हम निशान लगाएंगे और इसमें आधा इंच और ऐड करने वाले हैं, तो 7.5 पे निशान हमारा हो गया। और हमारे यहाँ पे कमर का मेजरमेंट देखेंगे, कमर हमारा हो गया है 24.5, तो 6 इंच एक पॉइंट आएगा और इसमें हम 1 इंच और ऐड करने वाले हैं। तो हमारा यहाँ पे कमर का मार्किंग हो गया। कमर का मार्किंग करने के बाद आपको दोनों निशानों को मिला लेना है इसी तरीके से, और आप एक्स्ट्रा मार्जिन जितना छोड़ना चाहे आप उतना छोड़ सकते हैं। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे शोल्डर का निशान लगाना है। हमारा मेन शोल्डर हो गया जो है कि हमारा 13 इंच है, उसमें से आपको आधा इंच कम करना है, तो हमारे यहाँ पे बचता है 12.5। तो 12.5 का आधा होता है यहाँ पर हमारा 6.25 इंच, तो 6.25 इंच पे एक निशान लगाना है आपको। दूसरा निशान भी आपको 6.25 इंच पे ही निशान लगा। दो निशान लगाने के बाद आपको दोनों को सीधा कर लेना है इस तरीके से, स्केल की सहायता से आपको मिला ले। मिलाने के बाद आपको आर्मोल की गुलाई देना है। आर्मोल की गुलाई आपको सही तरीके से देना है। आपको आर्मोल का निशान लगाने के बाद आपको गले की चौड़ाई देना है। गले की चौड़ाई यहाँ पे हम देंगे 3.5 इंच पे। दूसरा निशान लगाएंगे हम यहाँ पे 3 इंच पे। दोनों निशान लगाने के बाद आपको कुछ इस तरीके से एक बॉक्स बना लेना है। बॉक्स बनाने के बाद आपको यहाँ पे गले का शेप देना है, हल्के हल्के हाथों से मार्किंग करना है। आप चाहे तो शोल्डर पे यहाँ पे थोड़ा सा डाउन दे सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हम नीचे डॉट की मार्किंग करेंगे। आपको सिंपली इसको आधा कर लेना है। आधा करके यहाँ पे आपको बीचों बीच एक निशान लगा लेना है, आप यहाँ पे आपकी डॉट की सिलाई करना है। तो दोस्तों, हमारा यहाँ पे फाइनली मार्किंग हो चुका है, तो चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। जब तक हम कटिंग करते हैं तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल आइकन होते हैं उसे ऑन कर लें, ताकि ऐसी और वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और एक बात, वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको इसकी कटिंग समझ में आएगा। कटिंग करने के बाद आपको गले और नीचे की साइड में जिस तरीके से आप वीडियो में देख पा रहे हो उस तरीके से कट लगा लेना है। कट लगाने के बाद आपको पेपर को खोलना है। जहाँ पे हमने दो निशान पे कट लगाया था उस दो निशानों को आपको स्केल की सहायता से डार्क कर लेना है, ताकि आपको आसानी कटिंग करने में आसानी हो जाए। उसके बाद यहाँ पे आपको गले का निशान लगाना है। गले का निशान आपको अपने हिसाब से लगा भी सकते हो। आप जितना आपको गला बड़ा चाहिए उसके हिसाब से आप निशान लगा सकते हो। यहाँ पे हमने 12 इंच पे निशान लगा लिया है। उसके बाद आपको शोल्डर से थोड़ा सा दूरी पर, आपको इस तरीके से वीडियो में देख रहे हो उसी तरीके से आपको निशान को डार्क कर लेना है। डार्क करने के बाद आपको फिर से पेपर को फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद आपको जो निशान अपने लगाया है 12 इंच में हमने जो निशान लगाया उस निशान को आपको इस तरीके से कट कर लेना है। कटिंग करने के बाद आपको बचे हुए टुकड़े को साइड में रख लेना है। तो गले की कटिंग हमारा हो चुका है और वी शेप में हमारा जो है गला कट चुका है। तो इस तरीके से आपको गले की कटिंग कर लेना है।
उसके बाद आपको यहाँ पे और एक काम करना है, आपको एक हिस्से में इसको फैलाने, यहाँ पे आपको एक निशान लगाना है, थोड़ा सा आप वीडियो में देख पा रहे हो उसी तरीके से आपको निशान लगाना है। आपको इसी निशान से इसको कट कर लेना है। तुम्हारा फर्मा ये बन के तैयार हो चुका है, अब हम इसे सीधा कपड़े पे कटिंग करेंगे। तो चलिए देखते हैं कपड़े पीस की कटिंग कैसे करना है, कपड़े पीस भी कटिंग कर लेते हैं। तो उसके बाद आपको अस्तर की कटिंग करना है। अस्तर हमने यहाँ पे ले लिया है, अस्तर को अपना खुला साइड आपको सामने की तरफ रखना है, आप वीडियो में देख सकते हो इस तरीके से। उसके बाद आपको इसके ऊपर जो हमने फर्मा बनाया उसको रखना है और उसके बराबर से आपको कट कर लेना है। ध्यान रहे यहाँ पे आपको गले के साइड में आपको 2 सूत या तो 1/2 इंच आपको मार्जिन बढ़ाकर रखना है। तो चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग करने के बाद आपको यहाँ पे जो पीछे का हिस्सा है उसके ऊपर हम नेट की कटिंग कर लेते हैं। नेट में भी आपको यहाँ पे एक काम यहाँ पे आपको करना है, आपको दोनों साइड से 1/2 इंच या तो 1/2 इंच आपको बढ़ाकर काटना है और गले में आपको बराबर से काटना है। तो यहाँ पे हमारा नेट की कटिंग हो चुका है। नेट की कटिंग करने के बाद आपको यहाँ पे और एक काम आपको रह चुका है, आपको मेन फैब्रिक लेना है। ठीक है, यहाँ पे हमने जो मेन फैब्रिक यहाँ पे ले लिया है तो आपको इसको डबल फोल्ड करके बिछा लेना है सही तरीके से। उसके बाद आपने जो अस्तर की कटिंग करा था पीछे के साइड के लिए उसको आपको इसके ऊपर रख लेना है और उसके बराबर से आपको थोड़ा सा मार्जिन लेते हुए आपको कट कर लेना है। आपको जब आप सिलाई करोगे तब इसको बराबर से आप छाट सकते हो, आप चाहे तो बराबर से भी काट सकते हो। तो हमारे यहाँ पे ये इसकी कटिंग फाइनली हो चुका है। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके का और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में जो बेल आइकन है तो उसे प्रेस कर लें। तो इसकी सिलाई का वीडियो किस तरीके से करना है तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।